सक्सेना को बहुत बुरा लग रहा था कि अंगूरी भाभी उनकी तरह नहीं दिखती और वो अब भाभी माँ को कोई स्पेशल दवा देकर उनका रूप बदल के अपने जैसा करने वाला है। तुमको अबायल को जो है वो लाल टेकड़ी में जाके बाबा लाला राम का मंदिर में लाल कपड़ा पहन के लाल लंगोट चढ़ा करके पूजा करना है। ऐसा करने से जो है दोष कम हो जाएगा। हम तो जाएंगे, चाहे अकेले जाएंगे वहाँ। जाओ, आपको हम अकेले नहीं जाने देंगे, हम चलेंगे आपके साथ। वो देखिए आपका सामने रहा लाल टेकड़ी का मंदिर। किसी जवान लड़के को करप्ट करना चाहते हैं। भाभी जो अडॉप्ट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। आपका है ना कि पंडित रामफल ये उपाय बताए हैं कि हमको एक तो जवान लड़के को गोद लेकर उसका शादी करना है। ओहो, तो ये बात है। ये क्या लेके आई हो हाथ में? ये हम हमारे टीकू के लिए अनार का जूस लाए हैं। आई लव अनार ड्रिंक। मैंने टीका के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। बड़े और अच्छे दिल के इंसान होते हैं तुरंत माफी मांग लेते हैं। आपने ठीक कहा मां साहब, मैं उससे टीका से खास तौर से माफी मांगने आया हूँ। वेस टीका। अटीकू, हमरे लाल बादशाह जल्दी बाहर आओ। वो क्या है ना भैया कि आजकल एक खास सिद्धि के लिए मैं रोजाना उपवास रख रहा हूँ। आजकल सिर्फ मैं फ्रूट्स ही खाता हूँ। तुमको अबायल को दोबारा से शादी करना होगा। तो इस लौंडे का क्या करे? ये लौंडा कोनो काम का नहीं है, एकदम बेकार है। लतिया निकाल दो ससुर को। आजकल भरपूति जी जैसे लाल रंग देखते हैं ना, लाल रंग, वो ऐसे टॉयलेट हो जाते हैं। वो वॉयलेंट होते है। ऐसा ही पकड़े हैं। जो तो तुम अंदाजो लगा रही ना। अंदाजो है लेकिन साबित तो आपको करना है ना। हमें तो बैठे, हम कैसे साबित? आपको लाल जोड़ा पहनकर डोली में बैठना पड़ेगा। यार गर्मी सी लग रही है। हमरा ना एक तो इच्छा हमेशा से ही रहा है। कौन सी इच्छा? हम दक्षिण भारत के किसी संगीत के मास्टर जी से संगीत सीखें, उसके बाद पूरा दक्षिण भारत घूमें। कौनो जरूरत नहीं है संगीत वंगीत सीखने की। हम साउथ से आया, कानपुर में हमारा बहुत सारा स्टूडेंट होता, हम उनको यहाँ पर म्यूजिक का शिक्षा देता और उसके बाद हम उनको मैसूर गार्डन का झाड़ी में ले जाके रियाज कराता। तुम्हारा ये सारे गाँव में पादा वादा खत्म हो गया तो जरा नाश्ता बनाओ हमारे लिए। कुछ दिनों के लिए आप ना ही बना सकते हैं? अरे नहीं बन पा रहा है ना, तो गंदे नाले में डूब के मर जा। भाभी जी, हमें काम करने से कोई एतराज नहीं है, वो जो है हमारी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है। एक काम कीजिए तिवारी जी। जी। आप ना उन मास्टर जी को मेरे पास ले आइए, मैं उनको समझाती हूँ कि वो अपने काम से काम रखे। जी भाभी जी, थैंक यू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ते में स्टफ्ड पराठे बनाए हैं। एक और एक और एक और। क्या खो यार? भैया आपकी बार कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? यार मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ, दिल से शर्मिंदा हूँ भाई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वाह सक्सेना जी, मजा आ गया। लेकिन सूखे सूखे पराठे यार टेका मलखान, कसम से कह रही हूँ अगर इसके साथ चटनी वटनी होती तो मजा आ जाता यार। हाँ हाँ भैया। लौंडे, मैंने तेरे लिए ऐसी चटनी बनाई है ना कि तू भिन्ना जाएगा, तेरे कान से धुआं निकलेगा, धुआं।
अरे मोरी भैया सरप्राइज सक्सेना भैया अब फिर तो मजा आ जाएगा एकदम इधर डाल चले बस 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 अपने सक्सेना भैया के होते हुए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ये जो भूख का राक्षस है ना इसको मार दूंगा मैं सक्सेना भैया बड़े टेस्टी परांठे बनाए हैं आपने कसम से कह रही हूँ सक्सेना जी वाकई में मजा आ गया यार जिंदगी में ऐसी ना चटनी खाए ना पराठे खाए भैया क्या कमाल की चटनी बनाई है आपने एकदम तीखी वाली टेस्टी है सक्सेना भैया अब ये बता दो आपने परांठों में क्या भरा है इसमें मैंने कीमा भरा है वाह सक्सेना भैया वाह मान गए मेढक का और कॉकरोच की चटनी आई लाइक इट साले भुतनी के शख्स है ना तूने फिर से हमारे साथ बदतमीजी की सॉरे तूने हमको मेंढक के पराठे खिला दिए और कॉकरोच की चटनी सारे धी के लट्ठो देख कर रहे हो मारो सारे सक्सेना को इसको रुक जा सारे अभी ई सारे गामा पास से कछु आगे बढ़ते हैं ना हम तो बहुत आगे बढ़ना चाहता का बोले मैं बोला कि अपना पति को बोलो कि वो मैसूर का दो टिकट कराएगा एक तुम्हारा ले एक मेरा ले का है मैसूर गार्डन का झाड़ी में जाके गाने का रियाज करने का सुंदरी आइडिया हम बने तुम बने एक दूजे के लिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए और हमें भेज दिया चने भूंजने के लिए ये जिंदगी का है अरमान भूतनी को गैरत में जा रहो है इंसान भूतनी को अच्छे ईमानदारन के लग गए हैं रस्ते मोती चबा रहे हैं बेईमान भूतनी को गर्मी बड़ी पड़ी है इस साल कानपुर में गर्मी बड़ी पड़ी है इस साल कानपुर में लेकिन अब तक ना आओ तूफान भूतनी को वाह चाची वाह हमारे मोसेरे भाई की बेटी अंजलि आ रही है वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हमारे घर रहने आ रही है उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी भतीजी सच में तुमसे मिलने आ रही है हाय सुमन हाय बदल आज से हम भी तुम दोनों के साथ तुम्हारे एनजीओ में काम करेंगे आज चाहे जो भी हो पर तू एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे दिल में जो तेरे लिए प्यार है वो हमेशा जिंदा रहेगा मेरी हर एक सांस में सिर्फ तू ही है माधव इस वैदेही ने आपको जिस प्यार के जाल में फंसाया है ना माधव आज मैं आपको उस जाल से निकाल कर रहूंगी और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी ये डिब्बा इस डब्बे में तुम चित्रा की आत्मा को कैद कर सकती हो रखा की कक्का कर ये तो हमारी हीरा काकी है हीरा काकी हीरा काकी हीरा काकी हीरा काकी युद्ध के परिणाम में या तो आप नहीं या तो मैं नहीं कान्हा और कंस के महायुद्ध में कान्हा की उपस्थिति ने किया पूरी प्रजा के मन से कंस के भय का अंत बोलो यशोदा नंदन की जय हे कृष्ण वध करो इस कंस का शत करो आकाशवाणी को अंत करो, अंत करो। अंत करो।